गाइस वैसे तो बच्चे बच्चे को पता है कि भारत स्पेस एजेंसी इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। गाइस चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च कर दिया गया था, जो भारत का तीसरा मून मिशन है। गाइस चंद्रयान 2 को पीछे छोड़ते हुए चंद्रयान 3 मिशन का मकसद चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। गाइस चंद्रयान 3 को VLBM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसे सबसे पहले GSLV-M के 3rd के नाम से जाना जाता था। इसी रॉकेट स्पेस एजेंसी इसरो ने भी चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया था। गाइस इसरो इससे पहले 2008 में चंद्रयान 1 को और 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च कर चुका था। चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर ही था और चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी थे, और वही चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर ही लगाया जाएगा। गाइस इसरो ने इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। और तो गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि 31 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 धरती से 10 गुना दूर भेजा जाएगा, यानी कि 1,00,000 किलोमीटर दूर भेजा जाएगा। गाइस अब सवाल यह उठता है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब पहुंचेगा। गाइस वैसे तो आपको बता दूं, इसरो का 642 टन वजन वाला LVM-3 रॉकेट चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 42 दिन लग सकते हैं। गाइस दूसरा सवाल यह है कि चंद्रयान 3 की स्पीड कितना हो सकता है। गाइस आपको बता दूं, लॉन्च करते समय चंद्रयान 3 की स्पीड 1627 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन 108 सेकंड में 45 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लिक्विड इंजन शुरू किया गया, तब इसकी रफ्तार 6427 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, लेकिन 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर बूस्टर रॉकेट से अलग हो जाने पर इसकी रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। गाइस आपको चंद्रयान 3 के विषय में क्या कहना है, इसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।